ऊपर वो देखिए, और वहाँ पर भगवा झंडा फहरा रहा है ऊपर की ओर, देखिए काफ़ी ऊपर है। चल सकते हैं भैया, चल सकते हैं, बिल्कुल चाहिए भाई यार। ये देखिए कुछ काम यहाँ ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए लोग। तो ये भैया कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा ये टाइल? तो भैया बता रहे हैं एक दो महीने में तैयार हो जाएगा पूरा बन। भैया आप देखिए अंदर में कुछ इस तरह का सामान यहाँ पर रखा गया है पीले कलर का, तो ऊपर देखिए ऊपर किस तरह लगाया जाएगा इसमें। ये देखिए पहले, फिर पहले यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक पहले यही रेलवे स्टेशन था, अब तो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है वो देख सकते हैं आप। तो ये है यहाँ का अंदर का दृश्य। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ अभी अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नए अपडेट के साथ इस वीडियो को दिखाने आपको। तो आप जैसे मैं पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन क्या कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के चारों ओर की कंस्ट्रक्शन क्या काम हो रहा है और दूसरे फेज का भी कुछ वर्क। तो ये देखिए ये यहाँ की रोड और ये है रेलवे स्टेशन। तो कुछ दृश्य यहाँ का इस तरह है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी काम चल ही रहा है अभी। तो चलिए आपको हम इधर से चलकर अंदर, तो शायद अभी नहीं बंद है क्योंकि प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करके गए, तो अभी भी किसी को मतलब एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ से चलकर दिखाता हूँ ऊपर, मतलब क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ऊपर वो देखिए यहाँ का मंड जो भी गुंबद जैसे बनाया गया है प्रभु श्री राम जी के मुकुट के जैसा, और ये जो नीचे रखा गया है बनाकर ये तीन दो, और इसको यहाँ पर लगाया जाएगा दोनों गुंबद में, तो इसको अब लगाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे दो और रखे गए हैं यहाँ पर, तो ये दोनों को भी लगाया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ की भी आप जब रात में देखेंगे आकर यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। और चारों ओर से इसको मतलब दोनों ओर से शीशे की दीवार आधी और आधे उससे ईंटों से पत्थरों से घेरा गया है। तो ये है यहाँ का अपडेट, ये देखिए। और इस साइड हम चलकर आपको पीछे से दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर वर्क हो रहा है। तो इसके जस्ट बगल देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, तो यहाँ पर पत्ते जो गिरते हैं पेड़ के उसको सुबह सुबह मतलब यहाँ पर सफाई की जाती है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए वहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर धुलाई की जा रही है, वो देखिए आगे। तो काफ़ी यहाँ पर साफ़ सफाई रखी जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई रखी जाती है। देखिए इसमें हरी भरी घासों को पानी देते हुए, वो देखिए, तो इस तरह यहाँ पर पानी जा रहा है। और ये देखिए इधर इस साइड में कुछ लगाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ की खिड़कियों की बात करें तो खिड़कियाँ कुछ इस तरह बनाई गई है। ये देखिए ऊपर से एक ये रिंग लगाया गया है, रिंग जैसा मतलब खम्भे जैसा, और सारी खिड़कियों में ग्लासेस लगाए गए हैं शीशे। और ये देखिए कुछ किसी वाशरूम के वहाँ पर रखने के लिए ये सब है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और देखिए एक गाड़ी खड़ी है अभी आकर, ट्रेन मालगाड़ी जो होती है, मतलब कुछ शायद काम करने के लिए भी आई है, तो यहाँ पर इसलिए इसको मैंने पहली बार देखा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ का अपडेट कुछ इस तरह है, और वो है सेकंड फेज का काम वहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर और लिफ्ट भी बनाई जा रही है, और उस साइड का ट्रैक भी बनाया जा रहा है। ऊपर से अभी ऊपर से छावदार यहाँ पर सुविधा भी किया जाएगा कि छाँव हो जाए यहाँ पर। तो आपको मैं आगे दिखा सकते हैं, देखिए गेट नंबर 14, मतलब सारे गेटों को लॉक किया गया है अभी, तो अभी तो किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो ये है कुछ यहाँ का अपडेट, और ये देखिए पीछे से भी सारे गेट मतलब लॉक हैं। और ट्रैक देखिए, ट्रैक एक मतलब अब वहाँ पर एक ही ट्रैक चलता है, उधर है टेढ़ी बाजार, तो उधर आगे जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पर एक ही ट्रैक भी ऑन है, तो यहाँ से एक ही ट्रैक पर गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर और सब। तो अभी इधर ही यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती है तो उस पर खड़ी होती है जो नहीं ऑन रहता है ट्रैक। तो और देखिए वहाँ पर भी काम हो रहा है, गेट नंबर 13, 12, 10, 9 ऐसे सब है, 11 सब यहाँ पर लाइन सही लगाए गए हैं, लेकिन अभी सब अभी के समय में सारे लॉक हैं। सिर्फ जो जो काम कर रहे हैं अंदर में उनको ही सिर्फ एंट्री किया गया है बस, और बाहरी लोग भी नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ बाहर से ही अंदर में क्या वर्क हो रहा है। तो ये आप देखिए अंदर में कुछ इस तरह का सामान यहाँ पर रखा गया है पीले कलर का, तो ऊपर देखिए ऊपर किस तरह लगाया जाएगा इसमें। ये देखिए इसको भी यहीं कहीं लगाया जाएगा अंदर में ही। और आगे मैं चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर।
और उस साइड भी काफ़ी वर्क हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग काम कैसे कर रहे हैं अंदर में, वो देख सकते हैं आप। तो ये है यहाँ का अंदर का दृश्य, जो कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है किसी को, नहीं मैं आपको चलकर अंदर भी दिखाता, चलता हूँ और आगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये बांधने का काम चल रहा है, जिस पर खड़े होकर लोग मतलब काम करते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर कुछ वर्क हैं, ये देखिए। और इस क्रेन को काफ़ी ऊंचा लगाया गया, और एक क्रेन और ऊपर है, वो देखिए वहाँ पर भगवा झंडा लहराता हुआ वहाँ पर लगाया गया ऊपर। और वहाँ पर काफ़ी ऊपरी जगह पर भगवा झंडा लहरा रहा है वहाँ पर, ये देखिए। चलता हूँ और आगे, ये देखिए इधर, मतलब इस रेलवे स्टेशन के चारों ओर वर्क ही वर्क, काम ही काम, इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है। यहाँ देखिए एलिवेटर सीढ़ियाँ भी लगाई जा रही हैं। और ये है यहाँ की लिफ्ट, जो कि लिफ्ट यहाँ पर बनाई जा रही है और सीढ़ी वहाँ लगाई जा रही है, ऑटोमेटिक एलिवेटर। और वैसे भी सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं नॉर्मल वाली, जो कि घरों में जैसे होती हैं, और यहाँ पर दोनों बनाई जा रही हैं, मतलब क्योंकि दोनों कुछ लोग होते हैं जो उस पर नहीं चढ़ते हैं, तो उनके लिए वो वाली बनाई जा रही है। और देखिए वहाँ पर वेल्डिंग किया जा रहा है। तो मैं अभी चलकर आपको साइड दिखाऊंगा थोड़ा सा व्यू, उधर क्या हो रहा है। और देखिए यहाँ पर बीच बीच में भी काम ही हो रहा है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो पहले तो ये रेलवे स्टेशन था, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले बस यही था। तो देखिए यहाँ पर अयोध्या में बंदर की जनसंख्या, बोलना बंदर लोग बहुत हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं करते हैं। और ये देखिए पहले, फिर पहले यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक पहले यही रेलवे स्टेशन था, अब तो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है। तो ये है देखिए एलिवेटर लगाया गया है। और ये देखिए रेलवे स्टेशन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ का पहले का रेलवे स्टेशन, वहाँ उतना बड़ा बनाया गया। देखिए एलिवेटर इस तरह से लगाया जा रहा है, ये देखिए। तो ये है यहाँ का एलिवेटर और ये है सीढ़ी यहाँ की। तो मैं चलकर आपको उस साइड का दिखाते हैं क्या क्या हुआ है उधर। तो मैंने जैसे आपको इस साइड को पूरा दिखा दिया है, और मैं चलकर आपको इस साइड को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी काम हो ही रहा है अभी लगातार। और यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ लोग चढ़कर यहाँ पर काम कर रहे हैं ऊपर की ओर। तो और चलते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए खुदाई की जा रही है, जो चैम्बर बनाए जा रहे हैं नालियों के लिए, या जो भी इलेक्ट्रिक तारों को वायरों को इसके अंदर करने के लिए। तो इसीलिए सब बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर खुदाई की जा रही है वापस से, क्योंकि अभी इसको जल्दी में इसको सबको बनाया गया है। मैं आपको उधर चलकर दिखाता हूँ उस साइड। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ नीचे उधर से आकर, तो और चलता हूँ आगे। मैं आपको अभी वहाँ से ऊपर चलकर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और जैसे मैंने पिछले अपडेट में दिखाया तो कुछ काम नहीं हुए थे, तो इस अपडेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। चलिए आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो देखिए नया रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर बनाया गया, ऊपर मंडप जैसा, वहाँ पर देखिए ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको मैं पीछे का यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लोहे के जो लगाए जाएंगे ऊपर की ओर, तो उसको यहाँ पर रखा गया है। तो अभी बज रहे हैं 16:23, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4:23, 4:30 बज रहे हैं। देखिए वहाँ पर भी पत्थर की कटाई की जा रही है। और मैं भी आपको चलकर ऊपर दिखाऊंगा क्या हो रहा है ऊपर। यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े क्रेन्स रखे गए हैं ऊपर, वो देखिए। और वहाँ पर भगवा झंडा फहरा रहा है ऊपर की ओर, देखिए काफ़ी ऊपर है। तो मैं भी आपको ऊपर चलकर दिखाऊंगा यहाँ पर। चलिए हम ऊपर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए एलिवेटर की सीढ़ियाँ इस साइड किस तरह लगाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो काफ़ी तेज़ी से इसको काम मतलब वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ की सीढ़ियाँ देखिए, ये वाली सीढ़ियाँ इसी के जस्ट बगल बनाई गई हैं, और उधर भी इसी तरह कुछ बनाया गया है, इसी तरह की सीढ़ियाँ उधर भी बनाई गई हैं। ये सीढ़ी तैयार हो चुकी है, वो अभी वाली नहीं तैयार हुई है, उसको बनाया जा रहा है। तो चलता हूँ और ऊपर। तो देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर, और ये है यहाँ का वर्क।
तो ये देखिए कुछ काम यहाँ ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लोग इस तरह कुछ काम कर रहे हैं। चलते दोस्तों, ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, हम चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आ चुके हैं, तो ऊपर ज़्यादा ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए हम नीचे आ गए हैं। आपको हम यहाँ दिखाएंगे, ये देखिए इसके नीचे क्या क्या वर्क हो रहा है। तो काफ़ी काम इधर हो रहे हैं, और देखिए प्लाई के भी काम यहाँ पर, प्लाई के मतलब कुछ पार्ट्स है जो प्लाई के भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए सीमेंट का छिड़काव कर रहे हैं भैया यहाँ पर। तो ज़्यादा ज़्यादा सीमेंट लगाएंगे, ज़्यादा अच्छे से मजबूती होगी। और ये है देखिए नई नई टाइल लगाई जा रही है। चढ़ सकते हैं भैया, चढ़ सकते हैं भाई, यार क्या सुनने वाली बात है यार। तो ये देखिए नई 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 टाइल्स लगाई जा रही है। तो ये भैया कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा ये टाइल? एक दो महीने में तैयार हो जाएगा। तो ये भैया बता रहे हैं एक दो महीने में तैयार हो जाएगा पूरा बनकर। तो और जाके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और ये देखिए नया नया यहाँ पर लगाया गया है। इधर बालू मिट्टी इसको मतलब सही से समतल किया गया है, फिर इसको लगाया गया यहाँ पर। देखिए लिफ्ट के लिए ये है, और ये चैम्बर काफ़ी जगह है। देखिए छोटे छोटे चैम्बर नीचे नीचे बनाए गए हैं, और ये देखिए इतने बड़े लोहे को इससे क्रेन से उठाया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा क्रेन यही वाला है जो यहाँ पर रखा गया है। और ये है, ये स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन बनाया गया। देखिए कितनी लंबी ट्रक वहाँ पर खड़ी हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ी और काम करने वाले चीज़ वाहन सब खड़े हुए हैं। उनके यहाँ पर भी पत्थर लगाया जा रहा है। देखिए पानी से इसकी धुलाई की जाती है, पहले मतलब तुरंत ही धुलाई कर दी जा रही है, क्योंकि मसाला जो रहेगा तो वो जो इसमें जम जाएगा तो सही से साफ नहीं होगा, तो इसलिए पहले ये किया जा रहा है। और इधर से भी एंगल लोहे की सीढ़ियाँ लगाई जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। और ये क्रेन से देखिए लोहे को किस तरह उठाया जा रहा है इतने बड़े क्रेन से। और ये देखिए यहाँ पर, आपको मैं आगे इस दूर से दिखाता हूँ इसको किस तरह दिखता है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह लोहे की सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं यहाँ पर। देखिए ऊपर इस पर टीन सेट मतलब कुछ रखा जाएगा, और वहाँ पर ऊपर देखिए एक लोग वहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो काफ़ी ऊंचाई पर वो लगाया गया वहाँ पर भगवा झंडा, वो देखिए जो मैंने आपको पहले भी दिखाया वो देखिए। तो ये है कुछ यहाँ का अपडेट, और मैं आपको और आगे भी चलकर दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी चीज़ इस तरह बनाई गई हैं, देखिए लोहे को यहाँ पर कट करके और वेल्डिंग करके यहाँ पर इस तरह रखा गया है स्ट्रक्चर पर तैयार कर कर। और ये देखिए ये इलेक्ट्रिक तार जो कि इलेक्ट्रिक तार हटाए नहीं गए, क्योंकि ट्रेन आती जाती थी तो इसको भी लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए इसको नहीं हटाया गया है। देखिए उधर उधर सब जो भी पम्प डंप होता है, माल जो सब आता है सब उधर ही रखा रहता है। देखिए कुर्सियाँ, ये कुर्सियाँ लोहे की कुर्सियाँ, हॉस्पिटल और ये सब यहाँ पर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब जगह पर इस चीज़ का कुर्सियाँ ज़्यादा लगाई जाती हैं, लोहे की कुर्सियाँ ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं इस साइड से। देखिए ट्रैक काफ़ी यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इधर भी ट्रैक बनाए जाएंगे, काफ़ी बड़े ट्रैक बनेंगे। तो ये है यहाँ का अपडेट, और वो आगे देखिए यहाँ पर भी काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए छोटा सा कुछ बनाया जा रहा है यहाँ पर, शायद ये लिफ्ट ही हो। ये देख सकते हैं आप गड्ढे किए गए, शायद ये लिफ्ट ही हो या और कुछ हो। और देखिए यहाँ से किस तरह दिख रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये है यहाँ का अपडेट, तो ये यहाँ का इतना अपडेट है। और आगे मैं चलकर आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। और चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं वहाँ तक, लास्ट प्लेटफॉर्म तक, जो कि क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कितने मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग। देखिए ईंटें यहाँ पर, ईंटें और जो इसके अंदर लगाए थे श्री राम जी के नाम के ईंटें लगाए गए थे, यहाँ पर देखिए अमन नाम का ईंटा, अमन लगाया गया है। देखिए बीच बीच में इस पिलर को मतलब यहाँ पर ढाला गया है, फिर अलग शायद रखा जाएगा, यहीं पर यहीं पर ढाल दिया गया है। ये देखिए बीच बीच में मतलब बीच में ढाला गया इसको, और इसी पर खंभे को सेट किया जाएगा। देखिए इधर से पटरियाँ बिछाने के लिए इसको रोलर से इस तरह
इसको समतल किया जा रहा है कि एकदम से बैठ जाए, क्योंकि पटरियाँ बिछाने के बाद ट्रेन आते जाते समय कोई टेंशन ना हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक बॉक्स कुछ इस तरह यहाँ पर लगाया गया, ये देखिए, जो कि इसमें तार के मतलब लाइट के थोड़ा कंट्रोलर यहाँ पर रहेंगे। देखिए दो पाइप को खुलाकर यहाँ पर मिलाया गया, मतलब सारी जगह से, तो इसको चैम्बर तैयार किया गया, तो सारी जगह ऐसे चैम्बर बनाया गया, यहाँ से दो पाइप जाएगी किसी और चैम्बर में, तो इस तरह के चैम्बर इसलिए ढेर सारे बनाए जाते हैं। और देखिए यहाँ से रेलवे स्टेशन हमारा किस तरह दिखता है, ये देखिए, तो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है हमारा, ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं आपको और यहाँ से दिखाते हैं। अरे भैया लड़ाई करने लगे क्या? नहीं, मस्ती कर रहे हैं वो लोग। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो रोड रोलर से इसको मिट्टियों को इस तरह दबाया गया, देखिए नीचे एकदम सम हो गया है। तो आगे तो और कुछ नहीं है, देखिए जो कुर्सियां मैंने आपको दिखाया वहाँ रखी गई हैं, तो ये कुर्सियां यहाँ पर रखी गई हैं ऊपर इस छत पर, जो कुर्सियां हैं लोहे की। और यहाँ पर देखिए सावधान 2500 वोल्ट, तो यहाँ पर 2500 वोल्ट का ये वायर गया है, जो कि एकदम छीला हुआ तार है, इसमें करंट हरदम रहता है, कंटिन्यू इसमें करंट चलता ही रहता है। ये देखिए आधर, और ये देखिए कुछ लोहे का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैंटीन के लिए, मतलब कुछ खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं बोतल वगैरह जैसे, तो उसके लिए इसको रखा गया था। तो ये देखिए वो सरकारी आवास वहाँ पर बनाया गया है, वो जो आपको दिख रहा है उधर, वो सरकारी आवास है। देखिए दादाजी दम घुस गए हैं इसमें। तो मैं आपको चलकर अभी उस साइड का व्यू कुछ दिखाऊंगा, तो चलिए हम उस साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं अभी। तो वहाँ से इस साइड आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी इसको भी काम किया जा रहा है, यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है ऊपर। तो अब चलते हैं आपको उस साइड चल कर दिखाएँगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैंने वहाँ से आपको चल कर उधर उस साइड को दिखाया था, फिर आगे वीडियो में दिखाता हूँ मैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी चैम्बर का काम किया जा रहा है, और ये ट्रेन जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये भी किसी काम करने के लिए यहाँ पर खड़ी की गई है। और यहाँ की स्ट्रीट लाइट देखिए कुछ इस तरह लगाई गई है यहाँ पर, ये देखिए, और ये है यहाँ पर कुछ पार्ट रखे गए हैं जो कि इसके अंदर लगाए जाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर, तो अंदर तो अभी नहीं जाने दे रहे हैं तो ये है यहाँ का अपडेट, यहाँ पे कुछ इस तरह बनाया गया है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।